स्वागत करें। आज दिव्य ज्योत गांधी जी की कलकत्ता शहर में बधाई है। महामारी ज्योत के रूप में हमारे सारे तमस दूर करने के लिए आई है। उस ज्योत का स्वागत
उस दिव्य ज्योत का स्वागत करते हुए आज सारे भगत लोग मिलके माँ का आह्वान करें, माँ से विनती करें, माँ से प्रार्थना करें।
रूपरेखा बनाई और 3 मार्च को जुम्मनी से चलकर देश के विभिन्न प्रांतों से होती हुई आज कैलकटा पहुंची है। यहाँ की एक चर्चा समर्पण कार्यक्रम है और आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हमारे 2 विशिष्ट व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। मेरे को आदेश हुआ है कि उनका परिचय दूँ। मैं सुशील भैया से अनुरोध करता हूँ अगर कि ये अस्वस्थ हैं। ये दोनों तरफ मेरे 2 बड़े भाई हैं, इधर सुशील भैया झुंझुनवाला जिनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, कलकत्ते के मारवाड़ी समाज के जुझारू कार्यकर्ता, शायद आप सब परिचित होंगे ब्रह्मलीन ब्रह्मदर्जी झुंझुनवाला के आप बड़े सुपुत्र हैं, लॉ उपाला के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और विशिष्ट समाज सेवी हैं। इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय ब्रह्मदत्त जी कलकत्ते की जानी मानी हस्ती मानी जाती थी उस समय, और कलकत्ते के जितने भी सामाजिक कार्य होते थे उन सब में उनका विशिष्ट योगदान हुआ करता था। दूसरी तरफ सतीश भैया श्री रानी सती जी मंदिर झुंझुनू के फाउंडर ट्रस्टी श्री राम निवास जी झुंझुनवाला के सुपुत्र हैं। राम निवास जी का नाम, राम निवास जी का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जो भी लोग झुंझुनू गए हैं मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ राम निवास पार्क आप सबने देखा होगा, वो श्री राम निवास जी झुंझुनवाला के द्वारा बनाया गया था। सतीश भैया राम निवास जी के सुपुत्र हैं और ये दोनों ही परिवार, हालांकि दोनों सगे भाइयों के 2 लड़के हैं लेकिन ये रानी सती मंदिर का अभिन्न अंग है। इन दोनों को अपने बीच पाकर मैं फूला भी सना रहा हूँ। मैं आप दोनों का सभी उपस्थित दादी भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि सुशील भैया अस्वस्थ रहते हुए भी हमारे विशेष आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सबका मनोबल बढ़ाए हैं। मैं पुनः आप सबकी ओर से सुशील भैया को प्रणाम करता हूँ, इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमको इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। ताली बजा के जरा स्वागत करिए हमारे अतिथियों का। ये पीढ़ी है जो रानी सती मंदिर का हमेशा ध्यान करती है, हमेशा जय रानी। देखिए कितनी आत्मीयता है, मेरे को आदेश हुआ है उनका माला प्रदान कर उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन दोनों कर्मों से एक ही शब्द निकला कि आप तो भाई हैं, आप इसमें किसी से स्वागत, एक परिवार है, एक साथ है।